एमसीडी का महासंग्राम। एमसीडी चुनाव का बिबुल बज चुका है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस वक्त हम वार्ड संख्या 110 में मौजूद है और यहां की जनता से सीधे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? कौशल मिश्रा। क्या क्या विकास हुआ इस बार एमसीडी चुनाव में? कौन देखिए, इस बार चुनाव के लिए ये हमारा कुंवर सिंह वार्ड है और सबसे ज्यादा बहुमत यहीं से है। तीनों नेशनलाइज पार्टियां ने ऐसा किया कि एक भी कैंडिडेट कुंवर सिंह नगर से नहीं दिया। सारी पार्टियां का जो कार्यकर्ता थे सब पैसे पे बिक के बाहर से किसी को टिकट दे दिया। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपना लोकल कैंडिडेट यहां से खड़ा करेंगे और उनको विजय बनाएंगे, क्योंकि हमारी समस्या को वो समझते हैं। ऊपर बैठे हुए लोग क्या जाने, और उनको ये एहसास होगा कि यहाँ भी लोग मनुष्य हैं और आने वाले समय में हमारी कॉलोनी को, हमारी प्रॉब्लम को, हमारी समस्याओं को समझेंगे और सुनेंगे। ये संदेश देना है। इस बार अभी तक कितनी बार कूड़े की गाड़ियाँ आ जाती थी आपके लिए? देखिए, कूड़े की गाड़ियाँ, अब किसी से संबंध अच्छा है तो ड्राइवर उनके पास पहुँच गया कभी कभी, कभी 50 रुपया महीना में हम दे दिए तो हमें राम राम करने के लिए आ जाता है। शादी विवाह हुआ तो वो मिठाई के डब्बे के लालच में आ जाते हैं। रेगुलर कभी नहीं आई। नाली की साफ सफाई को लेकर वो आप देख सकते हैं कि अगर उसमें अगर मान लीजिए एक आदमी गिर जाए तो ढूंढना पड़ेगा कि कूड़ा ज्यादा है या आदमी। ये हालत आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ संबंध पे कूड़े की गाड़ियाँ आती है। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मितेश ठाकुर। क्या कहेंगे इस बार एमसीडी चुनाव में? कौन भैया? देखिए, एमसीडी चुनाव का तो ये है कि ये लोग निपापोती कर रहे हैं। अभी तक इतने सालों में तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, और अभी ये लोग करके थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना वाइट वॉश, तो ये लोग वाइट वॉश के साथ माइंड वॉश भी कर रहे हैं, ठीक है। और कूड़े की गाड़ी या ये जो भी कुछ है, यहाँ आप देखेंगे ना तो डेली वाले जो कूड़े की गाड़ी वाले हैं वो हर गली में डेली वो घूमते हैं वो, और उनका जो भी चार्ज होता है 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ वो लोग मंथली चार्ज करते हैं। बस यही, आप हमारे इस पार्क का देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से कुंवर सिंह नगर वार्ड का सबसे टॉप एरिया में से आता है कुंवर सिंह नगर, और इसकी स्थिति अगर आप चारों साइड घूम के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद हम लोग सुल्तानपुरी या मंगोलपुरी में खड़े होकर बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो बेसिकली जो सराउंडिंग के जो भी है सिस्टम वो इसको उसी कैटेगरी में लेके ला के रख दिया है इन्होंने, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि भैया एमसीडी सपोर्टिव है या एमसीडी इस तरीके का कैंडिडेट लेके आ रही है। इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि चलो भाई, क्योंकि पार्टी का तो कोई बंदा यहाँ है नहीं और ऐसा कुछ इस तरीके से ना उन्होंने कैंपेनिंग की है ना कुछ ऐसा आश्वासन दिया है, तो हम लोग अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और है वही जीतेंगे और अच्छा काम होगा। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि पार्टियां कोई भी दावा करके जली जाती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, हम एक अंकल खड़े इनसे भी बात करें। अंकल, क्या कहेंगे? मैं इस एरिया का नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, इस बार एमसीडी चुनाव में किसको कर रहे हैं सपोर्ट आप? हम तो आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं। तो आप इस बार एमसीडी चुनाव में कौन होगा? आरती सिंह जी का जी, जो जिस तरीके हम जानते हैं उनको, उनका हिसाब किताब है, जो उनका तरीका है बोलने चालने का आम आदमी से बहुत क्लोज तक है। बाकी जब ये महेंद्र यादव जी के एरिए का हिसाब देखिए, आप कैमरा बना के देखिए, इस एरिए में कुछ भी नहीं है। अभी जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो देखिए पीछे कितना ढेर लगा हुआ है। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि शायद आरती सिंह जी के आने से कुछ अच्छा होगा, इसलिए उनके सपोर्ट में खड़े हैं हम। तो समर्थक किसी का भी हो, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का, लेकिन जनता तक जो जमीनी योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी भी खुराना साहब है, उनसे भी हम बात करें। सर, क्या कहेंगे इस बार एमसीडी चुनाव में? मैं किसी पार्टी या रंगमंच से नहीं हूं और ना ही मेरी कोई विशेष, मैं किसी भी पार्टी को अभी तक मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं किसको वोट दूंगा। वो तो समय बताएगा कि मैं किसको दूंगा और मैं किसी पार्टी से कोई, हाँ, लेकिन यही कहना चाहूँगा जो भी जीते कुंवर सिंह नगर से वो कुंवर सिंह नगर कॉलोनी का मतलब अच्छा काम करे, सड़कें बनाए और स्ट्रीट लाइटें ठीक करे, पार्क को साफ रखे, भले ही कोई भी जीते उस बात से, चाहे आरती जीते या हमारे सुरेश पहलवान जी जीते या आम आदमी पार्टी या बीजेपी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जो भी जीते वो पार्क को, सड़कों को, नालियों को बढ़िया तरीके से कराए। हमारी तो बस इतनी प्रभु से प्रार्थना कि जो भी जीते परमपिता परमात्मा, बस इतनी कृपा रखियो कुंवर सिंह नगर जो सोने की चिड़िया कहलाता है नांगलोई का, इसी तरह से सोने की चिड़िया बना रहे। हमारा कुंवर सिंह नगर
हम तो इसे सोने की चिड़िया ही समझते थे और समझते हैं। हमारे लिए तो कुंवर सिंह नगर किसी ताजमहल से कम नहीं है, हमारी तो यही। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो जमीनी का जो जीरो ग्राउंड पे लोगों को होना चाहिए वो होना जरूरी है। और हम लोगों से भाई, आप एक युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार एमसीडी में? कौन एमसीडी में तो काम कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक, क्योंकि लोगों ने अपना घर का जो कूड़ा है ना उनके लिए रिक्शे बंधवा रखे हैं, कोई गाड़ियां नहीं आती है, कोई नाली, कोई रोड, कोई कुछ नहीं। तो अभी तक तो ये तय नहीं हुआ है जो किधर दें, अभी तक ये तय नहीं हुआ है, ना कोई हमारा रिश्तेदार खड़ा है, हैं। लेकिन ये है जो हमारे कुंवर सिंह नगर से कोई जीत के आता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। आप साफ तौर से देख रहे हैं कि लोगों का कहना कि ना हमारा रिलेशन में ना रिश्तेदार कोई नहीं खड़ा है, लेकिन कुंवर सिंह नगर की जनता का ग्राउंड जीरो ग्राउंड पर विकास होना चाहिए। भाई साहब से बात करें, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ ये कहूँगा, निगम के चुनाव में किसी बड़ी पार्टी ने, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी हो, इन तीनों पार्टियों ने पूर्वांचल के लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, किसी पूर्वांचल को टिकट नहीं दिया है। तो ये दोहरी नीति अपना रहे हैं, वोट चाहिए हमसे और टिकट कहीं और को दे रहे हैं। लोग हेलीकॉप्टर गुब्बारा शॉट खेल रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ टिकट से ले रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर क्या है हमारी वैल्यू? पूर्वांचल के लोगों को लोग ख़त्म कर दे रहे हैं, बांटना चाहते हैं। हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना है, देखते हैं आगे, लेकिन पूर्वांचल के साथ इन तीनों बड़ी पार्टियाँ ने किसी ने अच्छा नहीं किया। सत्ता आए और जाए, लेकिन आती जनता से है और जाती जनता से ही है। लेकिन आप साफ तौर से देखें कि कुंवर सिंह की जनता क्या कह रही है। इस समय वार्ड संख्या हम 110 में खड़े हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ग्राउंड में बच्चे भी खेल रहे हैं, पार्क की भी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो जनता क्या कह रही है उसका जवाब सरकार को ही मिलेगा आने वाले समय में। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली। एमसीडी का महासंग्राम।